खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य और उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2022 तक के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य में सहयोग करने के लिए प्रत्येक जनपद के ब्लॉक स्तर तक व्यापक औद्योगिक सर्वे करने की योजना बनाई जा रही है। IIA एक तहसील एक उत्पाद का प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करेगा। प्रयास किया जाएगा कि सरकार की जनपद स्तर पर ODOP योजना को OTOP एक तहसील एक उत्पाद के माध्यम से ब्लॉक स्तर तक ले जाया जा सके। ये कहना था फतेहपुर रोड स्थित डबल ट्री बाय हिल्टन होटल में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का। उन्होंने आगे कहा कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद प्रदेश स्तर पर उत्पादित किए जाते हैं जिनको अन्य राज्यों में प्रोसेसिंग हेतु भेजा जाता है और अपने ही प्रदेश के मजदूर रोजगार के लिए भी अन्य राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। इस योजना के तहत उन उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए उसी ब्लॉक एवं तहसील में कारखाना खुलने से एक ओर जहां मजदूरों को रोजगार मिलेगा, दूसरी ओर प्रदेश में रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी। ये हमारा एनुअल जनरल मीटिंग पूरे वर्ष में एक बार हम सभी मेंबर्स के साथ बैठ के चिंतन मनन करते हैं कि हमें किधर जाना है। जो हमारे अध्यक्ष जी का विजन है कि किस तरीके से हमें लघु उद्यमी जो ब्लॉक स्तर पर भी है, किसान व्यापारी और लघु उद्यमी को साथ लेके एक ऐसा तंत्र खड़ा करना जिस तंत्र से हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकें। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस विजन का ये भी है, ये हमारे अध्यक्ष ने विजन दिया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।